महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा होता है। भक्त इस दिन भगवान शिव को फल, फूल और दूध व जल चढ़ाते हैं। कई लोग इस खास मौके पर रुद्राक्ष का भी आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया रुद्राभिषेक काफी फलित होता है। आइए जानते हैं इस बार किस दिन महाशिवरात्रि है और पूजा का मुहूर्त कब है। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च 2019 को साय 4:28 से आरंभ होगा। इस दिन शिव भक्तों के लिए खास बात ये है कि ये दिन सोमवार है, जो कि भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का व्रत नक्षत्र के हिसाब से मंगलवार 5 मार्च 2019 को रखा जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बना है। ये तो सबको पता ही है, महाशिवरात्रि का त्योहार शिव भक्तों के लिए महत्व रखता है, लेकिन भूलवश शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे उनकी पूजा पूरी नहीं हो पाती। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहली बात, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। कहा जाता है कि भगवान शिव को काला रंग पसंद नहीं है, जिसके कारण इस दिन काले कपड़े नहीं पहने चाहिए। अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो भूल कर भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत पसंद है, लेकिन केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भी भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। शिव की पूजा में तिल नहीं चढ़ाया जाता। तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव को नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक है, इसलिए पूजन में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल पत्थर के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए। खंडित पत्थर कभी नहीं चढ़ाएं। चावल सफेद रंग के साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावलों का पूजा में निषेध है। फूल बासी व मुरझाए हुए ना हो। शिवजी की पूजा में शास्त्रों द्वारा बताए गए बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। पूजा में भूलकर भी लोहे, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि पर आपको सादा भोजन करना चाहिए, यानी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जीव हत्या से बचना चाहिए ताकि आपकी पूजा पूरी मानी जाए। अगर आप चाहते हैं कि शिवरात्रि को भगवान शिव आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएं, तो सुबह ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पूजा के लिए सुबह का समय उपयुक्त होता है। शिवरात्रि के दिन देर से उठना अशुभ माना जाता है। इस शिवरात्रि भोले भंडारी की कृपा पाने के लिए क्रोध का त्याग करें, यानी शिवरात्रि में व्रत रखने के दौरान किसी से बिना वजह लड़ाई झगड़ा ना करें। शांत मन से पूरे दिन ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें।